और तीसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं वो है हमारे पास अप स्केल या अप मार्केट प्राइस ओरिएंटेशन तो रिटेलर नॉर्मली या तो किसी एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन को फॉलो कर रहा होता है या समटाइम्स ये भी ऑब्ज़र्व किया गया है कि रिटेलर कुछ कैटेगरीज़ के ऊपर से डिस्काउंट ओरिएंटेशन को फॉलो कर, रह कर रहा होता है और कुछ कैटेगरीज़ के ऊपर मे बी अप को यूज़ कर रहा होता है और कुछ कैटेगरी के ऊपर वो, वो मार्केट प्राइस को फॉलो कर रहा होता है मार्केट प्राइस ओरिएंटेशन को फॉलो कर रहा होता है लेकिन ये तीनों में से नॉर्मली रिटेलर किसी एक टाइप किसी एक ऑप्शन के को उसने ऑप्ट किया होता है और वो वहाँ से उसके लिए बिजनेस की बेस होती है उसके बिजनेस का सारा कुछ डिपेंडेंसी उसके इस प्राइसिंग ऑप्शन के ऊपर होता है तो हम वन बाय वन इन तीनों ऑप्शंस को डिस्काउंट ऑप्शन को मार्केट प्राइस ऑप्शन को और अपस्केल ऑप्शन को तीनों को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं और कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं आपस में और ऑफ़कोर्स उससे रिटेलर का बिजनेस मॉडल के ऊपर भी इम्पैक्ट होता है तो वो बिजनेस मॉडल एक्चुअली ड्राइव कर रहा है उस पर्टिकुलर प्राइसिंग ऑप्शन को सबसे पहले हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिटेलर के डिफरेंट प्राइस ओरिएंटेशंस के अंदर तो सबसे पहले डिस्काउंट uh, ओरिएंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो डिस्काउंट ओरिएंटेशन के देर आर लॉट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि यहाँ मैंशनड है और मैंने उसमें से जो की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपके सामने यहाँ डिस्प्ले किए हुए हैं सबसे पहले जो रिटेलर डिस्काउंट ओरिएंटेशन की ऑप्शन को ऑप्ट करता है वो एक लो स्टेटस के ऊपर ऑपरेट कर रहा होता है तो उसका इमेज उसका जो पैटर्नेज है कस्टमर की नज़र में वो एक लो स्टेटस का स्टोर एक लो स्टेटस रिटेलर कंसिडर किया जाता है ऐसा नहीं है कि उसका प्रोफाइल बहुत हाई कंसिडर किया जाता है क्योंकि वो डिस्काउंट के फॉर्मेट के ऊपर काम कर रहा होता है तो इसलिए वो रिटेलर लो स्टैटस के तौर पर कंसिडर किया जाता है अपने इमेज के परस्पेक्टिव में मार्जिन के हवाले से अगर हम मार्जिन पर यूनिट की बात करते हैं तो ऑफकोर्स लो मार्जिन होंगे बिकॉज द रिटेलर इज सेलिंग प्रोडक्ट ऑन द डिस्काउंटेड प्राइसिस तो अल्टीमेटली दी प्रॉफिटबिलिटी मार्जिन साइड जो है वो लो होगी इसी तरीके से अगर हम टारगेट मार्केट की बात करते हैं तो इस तरह के रिटेल स्टोर्स की जो के डिस्काउंट को फॉलो कर रहे होते हैं ज़्यादातर उनका कस्टमर कॉन्शियस होगा प्राइस कॉन्शियस होगा मिडिल क्लास होगा या मिडिल टू लोअर क्लास भी होगा ज़्यादातर ये तरह का इस तरह का टारगेट कस्टमर जो है वो टारगेट किया जाता है फोकस किया जाता है इस तरह के रिटेल स्टोर्स के हवाले से फिर इसी तरीके से अगर हम ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करेंगे एज ए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट तो वो लो होगी अगेन इसीलिए कि क्योंकि ये जो मॉडल है ये लो प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर ऑपरेट कर रहा होता है और ऑफ कोर्स कॉस्ट जो है वो अल्टीमेटली uh, हमारे पास एज ए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है वो लो है टर्न ओवर अल्टीमेटली हाई है जब हम डिस्काउंटिंग प्राइस के ऊपर बेचेंगे डिस्काउंटेड मॉडल के ऊपर बात कर रहे होंगे डिस्काउंट ओरिएंटेशन को फॉलो कर रहे होंगे लो मार्जिन के ऊपर सेल कर रहे होंगे तो अल्टीमेटली वो रिटेलर अपना टर्न ज्यादा अचीव कर रहा होगा हाई टर्न ओवर अचीव कर रहा होगा क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर उससे प्रोडक्ट्स को बाय करने के लिए जा रहे होंगे बिकॉज ऑफ द इफेक्टिवनेस इन प्राइसिंग क्योंकि कस्टमर को ये नजर आ रहा होगा कि मुझे यहां से बाय करने में सेविंग है इसलिए वो इस ऑप्शन को ऑप्ट कर रहा होगा तो टर्न अल्टीमेटली हाई होगा लेकिन ऑफकोर्स जब हमने पहले बात की प्रोफिटबिलिटी के हवाले से मार्जिन के हवाले से तो वो लो साइड पर था अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की तो जो डिस्काउंट स्टोर हैं वो इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल्स हैं कि जहाँ पर देविन कंसिडर फॉर दिस के वहाँ पर प्रोडक्ट जो हैं वो डिस्काउंटेड प्राइसिंग के ऊपर मिलेंगी जब डिस्काउंटेड प्राइसिंग की बात होगी तो उसका स्टेटस भी लो समझा जाता है उसका इमेज भी लो होता है उसकी प्रॉफिटबिलिटी uh, भी लो होगी लेकिन टर्न ओवर के परस्पेक्टिव में वो एक हाई टर्न ओवर होगा और नॉर्मली डिस्काउंट स्टोर्स में से जो सबसे ज़्यादा लोग अट्रैक्टिव होते हैं अट्रैक्टेड होते हैं वो लोग होते हैं जो कि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास प्राइस कॉन्शियस कस्टमर्स और एटलीस्ट कॉन्शियस कस्टमर्स जो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ साथ शायद वो सेकेंडरी पैरामीटर हो जाता है जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग है वो पहला पैरामीटर होता है प्रोडक्ट को बाय करने के लिए तो इस तरह के डिस्काउंट स्टोर्स जो हैं वो डिस्काउंट ओरिएंटेशन को फॉलो करते हैं अगर हम बात करते हैं एवरेज और एट मार्केट प्राइस ओरिएंटेशन की तो इस तरह के जो रिटेलर्स हैं उनका जो स्टेटस है दैट इज़ एक्चुअली न्यूट्रल ना ही उनको लो प्रोफाइल स्टोर समझा जाता है ना ही उनको हाई प्रोफाइल स्टोर के तौर पर समझा जाता है उनका एक न्यूट्रल स्टेटस uh, जो है वो कंसिडर किया जाता है एज एन इमेज ऑफ द रिटेल स्टोर मार्जिन इनका ऑन एवरेज मार्जिन ऑपरेट कर रहे होते हैं बट वी से ऑन एवरेज क्योंकि ये एट मार्केट प्राइस सेल कर रहे हैं जितना कंपटीशन सेल कर रहा है उतना ही आप सेल कर रहे हैं तो अल्टीमेटली जितना मार्केट कमा रही है ऑन एवरेज उतना ही आप एवरेज मार्जिन अर्न कर रहे हैं तो इसीलिए इस तरह की ओरिएंटेशन के अंदर एट मार्केट प्राइस ओरिएंटेशन के अंदर एवरेज मार्जिन जो है वो एक रिटेलर अर्न कर रहा होता है अगर हम टारगेट मार्केट की बात करें तो इस तरह के रिटेल स्टोर की टारगेट मार्केट मिडिल क्लास होती है अब उसमें हम अगर लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास दोनों तीनों की बात करें तो तीनों क्लास सब क्लासेस ऑफ मिडिल क्लास वो इसका पार्ट है तो मिडिल क्लासेस का टारगेट इस तरह का टारगेट कस्टमर जो है इस तरह के स्टोर्स का वो मिडिल क्लास है अगर हम ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करें एज ए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट तो वो मीडियम टू हाई की तरफ होगी ज़्यादा टिल्टेड टू मीडियम होगी ऐसा नहीं है कि मोर मोर टिल्टेड हाई तो हाव इंक्लाइन टूवर्ड्स हाई लेकिन मीडियम कॉस्ट के ऊपर ऑपरेट कर रहे होते हैं टर्न भी मीडियम टू हाई ये बहुत ज़्यादा हाई टर्न अचीव नहीं कर रहे होते क्योंकि डिस्काउंटेड प्राइसेस नहीं होती हैं क्योंकि एवरेज मार्केट प्राइस को फॉलो कर रहे होते हैं तो मीडियम टू हाई टर्नओवर जो है आप इस तरह के रिटेल स्टोर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इस तरह के रिटेल स्टोर जो है वो प्रोडक्ट uh, वहां पर मीडियम टू हाई प्राइसिंग के ऊपर अवेलेबल होंगे तो टर्नओवर भी वहां पर मीडियम टू हाई की रेंज के अंदर आएगा एग्जांपल्स ट्रेडिशनल डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं सुपर स्टोर्स हैं ये सारे इसकी एक अच्छी एग्जाम्पल है अगर हम बात करते हैं एट मार्केट प्राइस ओरिएंटेशन की हाइपर स्टार अगर पाकिस्तान में बात करते हैं तो इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एवरेज मार्केट प्राइस ओरिएंटेशन के हवाले से और एट द एवरेज मार्केट प्राइस ओरिएंटेशन के हवाले से कि वो नॉर्मली इस तरह के प्राइस ओरिएंटेशन मॉडल को फॉलो करते हैं इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं थर्ड ओरिएशन uh, की जो कि अप स्केल प्राइस ओरिएंटेशन है या अप मार्केट प्राइस ओरिएंटेशन है ये इस तरह की ओरिएंटेशन के अंदर जो रिटेलर्स फॉलो करते हैं नॉर्मली उनका जो इमेज है जो पैटर्नेज है वो बहुत कॉन्शियस स्टेटस कॉन्शियस कस्टमर्स के लिए है यानी कि वो रिटेल स्टोर इज बिन कंसिडर्ड एज ए स्टेटस सिंपल कि जो वहाँ जाएगा जो वहाँ से प्रोडक्ट बाय करेगा तो उसके लिए इट इज़ अ मैटर ऑफ स्टेटस कि मैं इस पर्टिकुलर रिटेल स्टोर से अपने प्रोडक्ट्स को बाय करने गया हूँ या मैंने बाय किया है या पीपल नॉर्मली कम्युनिकेट विद ईच अदर के दैट वी हैव बॉट एक्स प्रोडक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रिटेल स्टोर एंड दिस शोज देयर स्टेटस इन द सोसाइटी तो मार्जिन के हवाले से इस तरह के जो रिटेल स्टोर हैं वो हाई मार्जिन के ऊपर ऑपरेट उपर करते हैं और क्योंकि अगर हम बात करें क्लास के हवाले से टारगेट मार्केट के हवाले से तो ऑफकोर्स रिच क्लास की बात हो रही है अपर क्लास uh, की बात हो रही है जो के टारगेट मार्केट होती हैं इस तरह के रिटेल स्टोर्स का अगर हम बात करेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट की एज ए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट तो दैट इज हाई क्योंकि ऑफ कोर्स जब आप स्टेटस की बात करेंगे आप ब्रांड बिल्डिंग की बात करेंगे तो ऑफ कोर्स देन यू हैव टू हैव मोर इन्वेस्टमेंट इन टू दी स्टोर ऑल्सो टर्न ओवर की बात करेंगे तो इट इज लो टू मीडियम इस तरह के रिटेल स्टोर्स के अंदर जो टर्न ओवर ऑब्जर्व किया जाता है वो नॉर्मली लो टू मीडियम होता है क्योंकि एक नीश मार्केट टारगेट की जाती है एक ऐसा नहीं है कि लॉट ऑफ कस्टमर्स आर कमिंग टू योर स्टोर्स एंड योर टर्न ओवर इज हाई बिकॉज यू आर ऑफरिंग हाई प्राइसेज इट्स नॉट लाइक दिस वंस यू ऑफर लोअर प्राइस हायर प्राइस ऑफ कोर्स यू विल गेट लो टर्न ओवर बट अगर इट इज़ अ मैटर ऑफ स्टेटस सिंबल तो इन सम केसेज गेट लो टू मीडियम टर्न ओवर इस तरह के रिटेलर्स के लिए अगर हम एग्ज़ाम्पल्स की बात करते हैं जो एक्सक्लूसिव कंपनी आउटलेट्स हैं बेशक वो जे डॉट है बेशक वो खाडी है, है बेशक वो अगर हम बात करते हैं यूनिवर्थ है बेशक वो डाइनर्स है तो कोई भी ऐसा ब्रांड जो कि स्टेटस सिंबल हो लोगों के लिए लोग प्रेफर करते हैं कि मैंने इस जगह से जाके बाई किया एक्सक्लूसिव कंपनी आउटलेट्स जो हैं वो सारे आउटलेट्स जो हैं कंसिडर किए जाते हैं फॉलो करते हैं अप स्केल को या अब मार्केट प्राइस ओरिएंटेशन को तो हमने ये तीन तरह की प्राइस ओरिएंटेशंस डिस्कस की हैं जो कि रिटेलर्स के पास ऑप्शन हैं इन प्राइसिंग को लेने के लिए क्विकली मेरे पास एक एग्जाम्पल है जो कि रॉस की है विच इज़ कॉन्सेप्ट इज ड्रेस फॉर लेस इट इज इज ए क्लोदिंग स्टोर ड्रेस फॉर लेस मीन्स यू कैन ऑफर वैल्यू टू द कस्टमर और अगर हम सिर्फ इसके नाम को ही वैल्यूएट कर लें तो हमें आइडिया हो जाएगा कि क्या ये डिस्काउंट ओरिएंटेशन को फॉलो कर रहा है के वाला स्टोर है या ये एट एवरेज प्राइस ओरिएंटेशन को फॉरवर्ड करने वाला स्टोर है या ये अप या मार्केट अप मार्केट को फॉलो करने वाला स्टोर है तो इट इज वेरी क्लियर दे आर ऑफरिंग ड्रेस फॉर लेस कॉन्सेप्ट वैल्यू फॉर य कस्टमर और वैल्यू फॉर द कस्टमर की जब हम बात करते हैं तो इट इज ऑल अबाउट डिस्काउंट ऑप्शन की डिस्काउंट स्टोर्स की तो ये डिस्काउंट ओरिएंटेशन के ऊपर काम कर रहा है विच मीन कस्टमर इज गेटिंग डिस्काउंटेड प्राइसिस टर्न ओवर्स आर हाई और इस केस के अंदर द स्टेटस ऑफ द स्टोर द इमेज ऑफ द स्टोर इज कंसिडर्ड टू बी लो तो रिटेलर के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो तीनों ओरिएंटेशन को में से किसी एक ओरिएंटेशन के ऊपर काम करता है या वो मल्टीपल ओरिएंटेशंस के को भी सेलेक्ट कर सकता है लेकिन ये बात अ, लास्ट में समझना जरूरी है कि जो भी ओरिएंटेशन रिटेलर फॉलो करता है कस्टमर उसी तरीके से उस रिटेलर का इमेज और परसेप्शन अपने दिमाग में बना लेता है और अल्टीमेटली उसी तरह की क्लास ऑफ कस्टमर उससे प्रोडक्ट को बाय करता है